वेलकम टू मानस डिफेंस एकेडमी और आज आपका टॉपिक हिस्ट्री से रिलेटेड है। चलिए अब आ जाते हैं फिर से वर्ल्ड वॉर टू के बारे में बात करना। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू से बात करने से पहले हमें फासिज्म और नाजीज्म का कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। ये एक कॉन्सेप्ट था, ये एक सोच थी, प्योर ब्लड सरकार हम चलाएंगे। कैसे चलाएंगे? एक ग्रुप बनाएंगे, एक माइंडसेट लेके चलेंगे, एक सोच लेके चलेंगे और वही चीजें कमांड में लेके आएंगे। तो फासिज्म और नाजीज्म ये कॉन्सेप्ट था। इटली में फासिज्म मुसोलिनी ने लीड किया था और नाजीज्म जर्मनी में कई साल बाद हिटलर ने। ठीक है, फासिज्म अंडर मुसोलिनी रिवाइवल ऑफ ग्लोरीज ऑफ ओल्ड रोमन एम्पायर, ये था कॉन्सेप्ट फासिज्म का कि पुराने रोमन एम्पायर को लेके आएंगे वापस। ही फॉर्म्ड मिलान फासियो, एक ग्रुप बनाया इसने टू ब्रिंग रेडिकल रिफॉर्म्स, एकदम पूरा रेडिकल ऑटोक्रेटिक ही मान लो। ऑटोक्रेटिक में यही तो होता है कि जो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है वैसे ही चलते हुए आएगा। चाइना की बात कर लेते हैं अगर, है ना। अब ये क्या लेके आए, जो भी फासिस्ट होंगे वो ब्लैक शर्ट पहनेंगे। द ब्लैक शर्ट रिवाइव्ड टेररिस्ट कैंपेन अगेंस्ट द सोशलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट ग्रुप। तो ये ऑटोक्रेटिक ही तो हो गया, कम्युनिस्ट सिंगल पार्टी रूलिंग, बट वो तो आप कम्युनिस्ट भी नहीं चाहता था तो ऑटोक्रेटिक हो गया भाई। ठीक है, और एक तरीके से मोनार्क भी बोल सकते हैं, ऑटोक्रेटिकली मोनार्क, राइट, कि राजा भी मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही हूं और मैं अपने हिसाब से चलूंगा, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ज्यादातर नेगेटिव ही होता है। सोशलिस्ट, राइट, कि भैया जैसे आई विल ऑर्डर, इट विल नॉट लाइक कि मैं अपने पास हर चीज रख लूंगा या मैं सबको दे दूंगा, ऐसा भी नहीं था, जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही चीजें चलेंगी। तो अगेंस्ट द सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट ग्रुप, ठीक है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल फैसिस्ट पार्टी। बट डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट आफ्टर द डेथ ऑफ मुसोलिनी वेंट अवे, लाइक सेम एज नाजीज्म आफ्टर फ्यूरर। फ्यूरर का मतलब होता है लीडर, द लीडर ऑफ द पार्टी, फ्यूरर। फ्यूरर एक ऑटोक्रेटिक नाम भी है कि हमें कमांड यही करते हैं, राइट। चलिए जर्मनी के नाजीज्म की बात करते हैं। प्योर ब्लड हो गया, आर्यवर्त हो गया, इसके बारे में तो खैर ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कॉन्ट्रोवर्सीज है। द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, अब इसने सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट लिखी है। मुसोलिनी ने तो सोशलिस्ट भी कैंसिल कर दिया था, बट ही ब्रॉट दिस सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल रशिया लेके आया था, भले कम्युनिस्ट फॉर्मेट में था, एक ही पार्टी रूल करेगी लेकिन सिंगल पार्टी रूलिंग, बट सोशलिस्ट फॉर्मेट में। ठीक है, एग्जैक्टली कम्युनिस्ट भी रशिया को नहीं बोल सकते, विल टेक ऑल टूगेदर अ डिफरेंट टॉपिक फॉर दिस कि वट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर, राइट। तो फॉर्मेशन ऑफ नेशनल सोशलिस्ट पार्टी म्यूनिक में, ठीक है, म्यूनिक कहां पे है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैप तो खोल लीजिए थोड़ा बहुत। फ्यूरर, इनका नाम इन्होंने फ्यूरर रखा था, हिटलर ने अपना नाम। ही ऑर्गेनाइज्ड स्टॉर्म ट्रूपर्स, क्योंकि ऑब्वियसली नाजीज्म एक कॉन्सेप्ट था, अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो करेगा तो उसको फॉलो कराने के लिए एक स्टॉर्म ट्रूपर्स। वैसे तो हिस्ट्री में कई जगह एस ए है और कई जगह एस एस भी है, तो जिन्होंने हिस्ट्री या फिर कोई भी वर्ल्ड वॉर की मूवी देखी होगी तो एस एस ट्रूपर्स जो थे वो बहुत ही क्रूवल थे, बहुत डिवास्टेट करते थे, स्लॉटर करते थे जो हमारे, ये तो एक्सेस फोर्स में थे, जो हमारे अलाइड फोर्सेस में थे वो बड़े डरते थे, अगर एसएस ट्रूप आ गई है तो मतलब बड़े जालिम होंगे वो, राइट। और द ब्राउन शर्ट, दे यूज टू वेयर द ब्राउन शर्ट टू प्रोटेक्ट ना, उस कॉन्सेप्ट को, उस माइंडसेट को प्रोटेक्ट। देखिए ये माइंडसेट का अगर आप में से सवाल पूछते हैं तो ये इसलिए होता है क्योंकि पुराने जमाने में शासन चलाने में एक माइंडसेट लाना बहुत जरूरी होता था। आज के डेट में भी कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि वो कंट्रोवर्सी में जाएगा, बट आज के डेट में भी अगर सरकार चलानी है तो एक माइंडसेट या फिर एक कॉन्सेप्ट लेके आना पड़ेगा जिसको आप बदलाव के तौर पे ला सकते हैं। वो बदलाव पॉजिटिव भी हो सकता है, वो बदलाव नेगेटिव भी हो सकता है, वो तो आपके डिस्क्रिशन पे है। मैं कमेंट करूंगा तो फिर कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, हिटलर ने मेन कैम्फ लिखा था, माई स्ट्रगल, इसका मतलब होता है जर्मनी में माई स्ट्रगल लिख लीजिएगा, मेन इज माई स्ट्रगल, ठीक है, कैंप। उसमें हिटलर ने पूरे इस चीज के कॉन्सेप्ट दिए हैं, बट खैर किसी को इंटरेस्ट है तो रीड कर लीजिए, बट इतना काफी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए जी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बात कर ली थी, हिटलर आ चुके थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और यहां पे कैसे हिटलर ने किया, पहले में तो ऑस्ट्रिया और साइबेरिया का कॉन्सेप्ट लेके आए थे, ठीक है, तब तो ऑब्वियसली हिटलर वॉज जस्ट अ नॉमिनल रोल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, बट ट्रीटी ऑफ वर्सालिस हैज रियली रियली हिट हिम रियली हार्ड, तो उन्होंने बड़ा
इसको शर्मनाक जैसा लिया, शेमफुल एंड ऑल, एंड देन ही अटैक्ड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। राइट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात अगर करें तो जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। सबसे पहले तो जर्मनी ने इन्वेड किया पोलैंड को, और ब्रिटेन और फ्रांस ने जब बोला कि भैया हट जाओ वहां से, अगेन वही वाली कहानी थी, ऑस्ट्रिया और सर्बिया। और डेफिनेटली अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का देखें एक बार स्लाइड्स फिर से, तो उसमें भी वही है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया, जर्मनी ने इन्वेड किया और एक वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, अपने आप के अलग अलग पार्टी में डिवाइड होने लगे और बस लड़ाई शुरू हो गई। यही होता है। कई सारे आप स्टूडेंट पूछ सकते हो कि व्हाट इज द रीजन फॉर इट, बट वी ह्यूमन आर वेरी गुड एट फाइट्स एंड ऑल। तो इन जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, ब्रिटेन एंड फ्रांस डिक्लेयर्ड वॉर। ठीक है, पहले यूएसए आना नहीं चाहता था, बट पता नहीं, अब आपकी खुद ही बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या यूएस ने जापान को प्रोवोक किया है या फिर जापान ने एशियाई एरिया को कंट्रोल करने के लिए पर्ल हार्बर पर अटैक किया। कांट से अबाउट इट, राइट। फिर भी चलिए, एक्सिस पावर, एक क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी दे दिया, जर्मनी इटली एंड जापान। अलाइड पावर्स में ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन, हालांकि सोवियत यूनियन एंड जर्मनी वेर फ्रेंड्स, बट ऐसा कुछ चीजें बदलाव हो गया क्योंकि दोनों के कॉन्सेप्ट भी अलग थे, एक ही थे सिंगल पार्टी रूलिंग, एक ही रूल करेगा। हाँ, जर्मनी भी थोड़ी बहुत सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट लेके आया था, और सोवियत यूनियन भी, इटली का था नहीं था सोशलिस्ट और कॉन्सेप्ट, और कम्युनिस्ट कॉन्सेप्ट दोनों नहीं रहेगा इटली का। तो ऐसा क्या हुआ कि जर्मनी के खिलाफ हो गया, ऑब्वियसली पॉलिटिक्स है, बड़े दुविधाएं तो होती है, एंड यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। जापान की अगर बात करें तो वर्ल्ड वॉर वन में जापान किस साइड था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उस समय फ्रैंकलिन रूजवेल्ट वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एंड विंस्टन चर्चिल वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। डेफिनेटली हमारे जो इंडिया के वाले हैं, दे विल हेट विंस्टन चर्चिल, क्योंकि इंडिया के बारे में बड़ा बुरा कहते थे, स्नेक चार्मर्स वगैरह कहते थे, अगर इफ हमने इंडिया को छोड़ा तो वो कुछ भी नहीं हो रह पाएगा। बट आई थिंक अब ऊपर से देखते होंगे तो देखते होंगे कि सरप्राइजिंगली 76 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस वी हैव सेलिब्रेटेड इट, राइट। क्लियर, इट वॉज जस्ट अ लाइटर नोट। हिटलर अटैक ऑन सोवियत यूनियन और यहां से इनका रिलेशन खराब हुआ, राइट। यूएसए ज्वाइन द वॉर आफ्टर जापान अटैक पर्ल हार्बर इन हवाई। जापान, ऐसा तो कहते हैं कि जापान अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था, बट क्या भरोसा, यूएसए वॉन्टेड टू एंटर, क्योंकि सोवियत यूएसएसआर वॉज गेटिंग रियली पावरफुल। टू नेशन थियरी ना, नॉन अलाइन मूवमेंट, याद है आफ्टर वर्ल्ड वॉर, पोस्ट वर्ल्ड वॉर की बात, या हमारे इंडिपेंडेंस की बात करें तो हम, क्योंकि आसपास ही था 45-47, राइट। और दो नेशन थियरी उठ के आ रही थी, दो पावरफुल थियरी बनना चाह रही थी, है ना, लड़ाई यहां चल रही थी। ऑब्वियसली स्विट्जरलैंड और इंडिया ने तो नॉन अलाइन मूवमेंट ले लिया, किसी को सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, पर ये बड़े कॉन्फ्लिक्ट वाले टाइम था उस समय कि किसके सपोर्ट करे, और आई थिंक यही एक रीजन था कि यूएसए ने कैसे ट्रिक्स खेल के यूएसएसआर को तोड़ के छोटा कर दिया, वरना तो ये नीचे वाला पार्ट भी यूएसएसआर का ही था, राइट। आगे बात करते हैं, वो वर्ल्ड वॉर टू खत्म कैसे हुआ। जर्मनी ने तो वैसे ही सोवियत यूनियन में हार मान ली थी, क्योंकि सोवियत यूनियन थोड़ा ऊपर की तरफ है, राइट, सब ट्रॉपिकल एरियाज में, और ऊपर जाते जाते तो वो आर्कटिक सर्कल के आसपास आ जाता है, ठंड बहुत ज्यादा थी, राइट, वॉर लड़ना मुश्किल। रशिया के लिए ये पॉजिटिव पॉइंट हुआ, और जर्मनी वॉज डिवास्टेटेड, वैसे ही तो सपोर्ट नहीं था उसके पास, राइट। एट द सेम टाइम यूएसए ड्रॉप एटॉमिक बॉम्ब, लिटिल बॉय एंड फैट मैन, हिरोशिमा और नागासाकी में, और वहां से वर्ल्ड वॉर केम टू एन एंड। उसके बाद क्या जरूरत पड़ी, यूनाइटेड नेशन वॉज एस्टैब्लिश इन अक्टूबर 1945। हालांकि एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है कि क्या यूनाइटेड नेशन आज भी पावरफुल है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अलाइड फोर्सेस में चाइना नहीं था तो वीटो पावर या फिर यूएन असेंबली की परमानेंट मेंबर में वो कैसे आए। हालांकि आप कॉन्ट्रोवर्सी या गुस्सा ही होंगे उस चीज में, बट anyway, राइट, सो दिस वॉज इट वट वी आर टॉकिंग अबाउट दी एंटायर वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर वन के बाद वर्ल्ड वॉर टू हो गया, तो यूनाइटेड नेशंस सेटअप हुआ ताकि ऐसे वॉर फिर से ना हो, लेकिन कोल्ड वॉर होना शुरू हो गया था, एंड देन इट वॉज डिवाइडेड। क्या यूएसएसआर में जो जो कंट्री इंक्लूडेड थी उनके कमेंट सेक्शन में कुछ कंट्री के नाम बता सकते हैं, जैसे कजाक, किर्गिज, जस्ट गिविंग यू द हिंट, टेल मी आई एम राइट और
नॉट राइट। उसके बाद तो हमने बात कर ली कि राइट, तो ऑलमोस्ट वी हैव एंडेड, वी हैव कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ इट। उसके बाद हमने बात कर ली कि टू नेशन थियरी एंड देन द डेवलपमेंट स्टार्टेड, उसके बाद ऐसे कोई वॉर हुई नहीं राइट। सो टेल मी कमेंट सेक्शन में कि क्लासेस कैसी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा राइट। ज्वाइन अस ऑन द कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक ऑफलाइन क्लासेस, क्योंकि यहाँ पे जब आप बात करेंगे तो तभी हम बात करेंगे, वरना तो फिर ये तो 2-3-4-5 घंटे की टॉपिक है। तो बेसिक आइडिया यही है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना एग्जामिनेशन में आएगा, इतना ही आएगा। कोई भी बुक ओपन कर लीजिए, वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। उसके अलावा आए तो हम तो बैठे ही हैं कमेंट सेक्शन में बता के, या फिर टॉक टू अस, कॉन्टैक्ट अस एंड वील लेट यू नो उस बारे में बात करने के लिए राइट। वर्ल्ड वॉर के बाद से जो भी चीजें फॉलो अप हुई उसके बारे में तो हमने बात कर ही ली ठीक है। सो आई होप ये क्लासेस आपको अच्छी लगी होंगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा, बताइएगा कि कैसे लगी क्लासेस। ज्वाइन अस, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो और ज्वाइन करेंगे एंड देन विल टॉक मोर अबाउट इट। जय हिंद, ख्याल रखिएगा, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।